आरडी शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12 चैप्टर है 3 बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज है 3.2। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ द बाइनरी ऑपरेशन ओ, ये बाइनरी ऑपरेशन है आपका, इज डिफाइंड बाय ए ओ बी इक्वल्स, देखिए इसमें है ए प्लस बी माइनस ए बी, और सेट क्या दिया हुआ है, सेट जो दिया हुआ है वह है आपका Q माइनस माइनस वन। इसका मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर का सेट है उसे माइनस वन हटा देना है फॉर ऑल रैशनल नंबर अदर देन वन, एक के अलावा बाकी आपको माइनस वन हटा देना है, शो दैट O इज कम्यूटेटिव ऑन दिस, इसमें कम्यूटेटिव है। अब एक एक करके देखिए, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, हमें सीधा ए ओ बी को बी ओ बी बी ओ ए के बराबर बता दे। ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या होगा, ए प्लस बी माइनस ए बी, ये होगा ना, और बी ओ ए क्या होगा, बी प्लस ए और माइनस ए बी, है ना जी। इसको आप लिख सकते हैं, यहां कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए, तो ये ए प्लस बी माइनस ए बी हो गया, वैसे ये बी आएगा लेकिन मैंने इसको ए बी लिख दिया है, तो ए प्लस बी माइनस ए बी। अच्छा, ये कब इक्वल नहीं होंगे, जब आप माइनस वन लगाएंगे, जब माइनस वन होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, लेकिन क्योंकि माइनस वन को ऑलरेडी हटा दिया गया है, ये वन को नहीं हटाया गया है, बेसिकली माइनस वन को हटाया गया है, तो इसलिए ये आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा। सवाल संख्या 6, शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन जेड डिफाइंड बाय, अब कैसे डिफाइन किया गया है, ये ए स्टार बी डिफाइन किया गया है 3a प्लस 7b इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है। तो अगर आप देखिए a क्रॉस b, ये 7b है, तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a कर दीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं, ये होगा 3a प्लस 7b और ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 7a। ये क्या बराबर हो सकता है, देखिए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें आइडिया नहीं, इससे नहीं बता पाएंगे, वैसे तो दिख रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ए की जगह आप ले लीजिए 1 और बी की जगह आप ले लीजिए 2। अब देखिए, अब दोनों को देखना है, 3 इंटू ए, 3 इंटू 1 3 प्लस 7 टू 14, तो यहां क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू, हमने ए क्या माना है 1, ये आपका आ जाएगा 17, ये आपका 3 टू 6 6 प्लस 7 हो गया 13, तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं है। सवाल संख्या 7 है, ऑन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय, कैसा है, ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस 1, ये दिया है, ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू Z, तो सेट है आपका Z, प्रूव दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन Z, एसोसिएटिव का मतलब क्या है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, बी और सी को पहले कर देते हैं और बी को पहले कर देते हैं, ए स्टार बी सी को करेंगे तो क्या आएगा यहां पर, बी सी प्लस 1, ए बी को करेंगे तो क्या आएगा आपका, यही आएगा ए बी प्लस 1। अब देखिए, क्योंकि ए बी प्लस 1 है, अब इन दोनों को करना पड़ेगा, तो पहले ए को ए की जगह रख देंगे, बी की जगह आप बी सी प्लस 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, बी सी प्लस 1 और साथ में प्लस 1, इसमें क्या आएगा आपका दिस और दिस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1, ये हो गया आपका ए बी सी प्लस ए प्लस 1, ये आएगा आपका ए बी सी, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस सी प्लस 1, तो ये और ये थोड़ा सा अलग हो गया, इसीलिए ये नॉट इक्वल तो नहीं है। अगर आपने जो फोर्थ क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स देखे होंगे तो उसमें दसवां सवाल, दसवां पार्ट यही है, दोबारा कर रहे हैं हम इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी अगर आप देखें तो ये इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये है सबसे पहला सवाल, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे पहला सवाल है, ध्यान रखिएगा सबसे पहला वाला सवाल, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर दे दूंगा कि कैसे इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेट एस बी दी सेट ऑफ रियल नंबर्स
एक्सेप्ट माइनस वन एंड लेट स्टार बी एन ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए स्टार बी आपको दिया है ए प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, इसको दोबारा लिख देता हूं ए प्लस बी प्लस ए बी. डिटरमाइन वेदर स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, इफ यस चेक इट्स कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी एंड सॉल्व द इक्वेशन टू क्रॉस एक्स क्रॉस थ्री इक्वल सेवन. एक एक चीज करनी है इसमें. देखिए पहली चीज है बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, अगर ए, क्योंकि हम बात करें किस सेट की, सेट इज अ रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, तो रियल नंबर में तो सब कुछ आता है, बहुत बड़ा सेट है ये, इसमें नॉर्मली सब चीजें बाइनरी रहती नॉर्मली. तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी, देखिए अगर ए क्रॉस बी हमारा ए और बी हम कहां से ले रहे हैं, ए और बी हम ले रहे हैं इस आर से, तो ए बिलोंग टू आर बी ऑल्सो बिलोंग टू आर, तो ये क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए बी है ये, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये भी आपका देखिए रियल नंबर है, रियल नंबर का कोई भी ऑपरेशन करिए ऐड करिए मल्टीप्लाई करिए ये सब रियल नंबर में ही आता है ना, बस माइनस वन नहीं होना चाहिए, माइनस वन को छोड़ के. तो क्लियर बात है कि ये आपका रियल नंबर में ही आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है राइट. अब आपको क्या करना है, आप इसमें माइनस वन भी रख के देख सकते हैं और वन भी रख के देख सकते हैं, माइनस वन रख के देख सकते हैं और देख सकते हैं कि माइनस वन पे ये बाइनरी नहीं होगा. ओके चलिए अब हम जरा इस पे आते हैं अपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिविटी पे. मैं आपको जरा माइनस वन का कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये ए प्लस ए बी ए प्लस बी प्लस ए बी कैसे रियल में आता है राइट. तो आप देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी और ये दिया हुआ है ए स्टार बी, तो ए प्लस बी प्लस ए बी. अब मान लीजिए कि ये माइनस वन इसका रिजल्ट आता है, क्योंकि माइनस वन मैंने कहा कि माइनस रियल नंबर में कोई भी आए चलेगा, माइनस वन रियल नंबर से हटा के वो सेट के लिए डिफाइन किया गया है. तो मान लीजिए इसको कंप्यूट करके माइनस वन ही आ जाता है, मान लीजिए माइनस वन आता है, हम प्रूव कर देंगे कि माइनस वन में क्या होता है, क्योंकि माइनस वन हटाया गया है ना इसमें, तो माइनस वन नहीं आ सकता. कैसे प्रूव करेंगे, अब इसको जरा इधर ले आइए, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस वन ठीक है जी बराबर जीरो. अब इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस वन बराबर जीरो. ए कर दीजिए इसमें वन प्लस बी, ये तो बी प्लस वन है ही बराबर जीरो. इसमें क्या करिए बी प्लस वन या ये वन प्लस बी, बी प्लस वन की बात है, तो वो बी प्लस वन कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा ए और अंदर आएगा प्लस वन, तो ए प्लस वन और बी प्लस वन बराबर जीरो है. इसका मतलब या तो बी माइनस वन होना चाहिए या ए माइनस वन होना चाहिए, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ए और बी दोनों इस रियल सेट को बिलोंग करते हैं जिसमें माइनस वन है ही नहीं, ये बताया था ना अभी. आर रियल सेट जिस सेट पे डिफाइंड है, आर रियल सेट में माइनस वन है ही नहीं अंदर, इसीलिए ये गलत हो गया, ये आपका कॉन्ट्रडिक्शन है, ये फॉल्स है ना. इसका मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर माइनस वन हो ही नहीं सकता, बाकी तो हो सकते हैं, वो तो रियल नंबर तो सबसे बड़ा सेट होता है, तो इसलिए ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो. अब कम्यूटिविटी और एसोसिएटिविटी क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि आपको देखना है फोर्थ का पार्ट वन, तो मैं इसको नहीं करूंगा, मैं सीधा आपको फाइनल जो इसका पार्ट है वो बता रहा हूं. फाइनल पार्ट में आपको निकालना है, देखिए कंप्यूट करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, टू स्टार एक्स स्टार थ्री बराबर सेवन. अब यहां पर क्या है, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, पहले ये कर लेते हैं, टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स ठीक है ना, ये स्टार थ्री बराबर सेवन. अब इसमें ए रखेंगे टू प्लस एक्स प्लस, पहले इसको थोड़ा सा आसान और कर देते हैं, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री एक्स स्टार थ्री. अब ए की जगह ये रखेंगे, बी की जगह ये रखेंगे, तो ए प्लस बी प्लस ए बी थ्री इंटू टू प्लस थ्री एक्स बराबर सेवन, तो ये हो जाएगा टू प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री प्लस सिक्स प्लस ये होगा नाइन एक्स बराबर सेवन. तो आपका ये क्या बना, ये बना आपका थ्री एक्स और प्लस नाइन एक्स हो गया ट्वेल्व एक्स, और ये हो गया सिक्स थ्री नाइन, नाइन प्लस टू कितना हो गया आपका नाइन प्लस टू इलेवन बराबर सेवन ठीक है जी. और ट्वेल्व एक्स बराबर हो गया सेवन माइनस इलेवन, सेवन माइनस इलेवन होता है चार, 12x बराबर हो गया
नेगेटिव ऑफ चार एक्स हो गया आपका नेगेटिव 4/12, तो ये हो गया 4/3 -1/3, तो इसका उत्तर जो है वो -1/3 आएगा। ठीक है, सवाल संख्या है 9 ऑन क्यू, सेट है आपका क्यू, रैशनल नंबर है ये, स्टार इज डिनोटेड बाय ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी बाय टू। आपको बताना है कि स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इसको एसोसिएटिव नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा रूल है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों को कर लेंगे फिर इन दोनों को कर लेंगे। ओके चलिए साहब, तो पहले बीसी को करेंगे, ए स्टार बीसी की जगह क्या आएगा, बी माइनस सी बाय टू, बी माइनस सी बाय टू हो गया बराबर ए बी की जगह, तो ए माइनस बी बाय टू आएगा। ठीक, ये दोनों अगर इक्वल है तभी होगा, ध्यान रखिएगा ये दोनों इक्वल होंगे तभी होगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम करते हैं ये, अब क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवाइडेड बाय टू, यानी कि ए माइनस बी माइनस सी बाय टू डिवाइडेड बाय टू, यहां क्या आएगा ए माइनस बी बाय टू माइनस सी डिवाइडेड बाय टू, है ना, तो ये क्या बनेगा, हम वन कर लेते हैं, टू इंटू ए माइनस बी और प्लस सी बराबर, ये मैंने माइनस है ना बाहर, तो माइनस बी प्लस सी हो जाएगा ये, और नीचे टू था, टू टू से फोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये टू आएगा ये टू आएगा। यहां पर भी ऐसे करेंगे, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस टू सी डिवाइडेड बाय टू टू फोर, ये हो गया साहब। ओके तो ए ये हो गया टू ए माइनस बी प्लस सी बाय फोर, ए माइनस बी माइनस टू सी बाय फोर, तो देख ही रहा है कि ये तो बराबर है नहीं, तो ये नॉट एसोसिएटिव है, लेकिन हम क्या करेंगे इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं। वैल्यू में क्या रखेंगे, ए में हम रख लेते हैं वन, बी में रख लेते हैं टू, सी में रख लेते हैं थ्री, ये तीनों ही दोनों क्यू को बिलोंग करने चाहिए, ध्यान रखिएगा ये, तो टू ए हो गया वन माइनस बी यानी माइनस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर, टू माइनस टू जीरो हो गया, थ्री बाय फोर, ये थ्री बाय फोर आया। यहां देखते क्या आता है, ए है वन माइनस टू सी, टू सी हो गया सिक्स डिवाइड बाय फोर, तो वन माइनस ये हो गया आपका एट डिवाइडेड बाय फोर हो गया माइनस सेवन बाय फोर, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, ये नॉन इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। सवाल संख्या 10 है, ये z पे है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड है, ए स्टार b बराबर ए प्लस थ्री बी माइनस फोर, प्रूव दैट स्टार इज नीदर एसोसिएटिव नॉर कमिटेटिव। एसोसिएटिव तो कैसे नहीं होगा, एसोसिएटिव में आपको ए स्टार b बराबर b स्टार a करना है, देखते हैं आता है कि नहीं आता है, हो जाएगा ए प्लस थ्री बी माइनस फोर, ये आएगा आपका बी प्लस थ्री ए माइनस फोर, तो दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये तो खैर कम्यूटेटिव तो नहीं है। अब एसोसिएटिव पे आ जाते हैं, चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, अब ये भी कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं, जैसे चलिए वैल्यू रख ही देते हैं, तो ए बराबर वन रख लेते हैं, बी बराबर टू रख लेते हैं, तो ए की जगह वन रख लेंगे या वन प्लस थ्री इंटू बी माइनस फोर, तो वन प्लस सिक्स माइनस फोर यानी कि सेवन माइनस फोर हो गया आपका थ्री, यहाँ पर क्या आएगा बी टू प्लस थ्री इंटू वन माइनस फोर यानी कि थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस फोर हो गया वन, तो वन और थ्री तो बराबर नहीं है, तो यहीं से प्रूव हो गया। अब वो रह गया एसोसिएटिव रह गई इसमें ना, एसोसिएटिविटी भी बता दें, तो एसोसिएटिविटी के लिए जरा मैं ये हटा देता हूँ, सारा कोई और कलर लेंगे बढ़िया सा और फिर इसको करेंगे, है ना, और डार्क ले लेते हैं। ओके तो इसमें क्या करना है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसको कर लेंगे फिर इसको कर लेंगे, तो ए स्टार अब क्या है, ये है ए प्लस थ्री बी माइनस फोर, ये बताया गया, तो ये बन जाएगा आपका बी प्लस थ्री सी माइनस फोर, ये तो खैर ये रहेगा ए प्लस थ्री बी माइनस फोर। अब पहले वाले ए में ये रखेंगे बी में ये रखेंगे पूरा, तो ए प्लस थ्री इंटू बी प्लस थ्री सी माइनस फोर और माइनस फोर बराबर, यहां पर हो जाएगा पहले ये रखेंगे ए प्लस थ्री बी माइनस फोर, फिर
फिर रखेंगे 3 इंटू सी माइनस 4, कितना बना a प्लस 3b प्लस 9c माइनस 12 माइनस 4 बराबर। बराबर इसलिए कर रहा हूं कि मुझे पता नहीं है बराबर है कि नहीं, बाद में देखेंगे। ये बनेगा a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 8, इसको भी देख लेते हैं, a प्लस 3b प्लस 9c माइनस 16 बराबर a प्लस 3b प्लस 3c माइनस 8। ये तो हटा दीजिए, ये बराबर दिख रहे हैं, 9c माइनस 16 बराबर 3c माइनस 8, ये तो बराबर नहीं है ना, बराबर दिख रहे हैं आपको, नहीं है ना ये, इसलिए आपको ये दोनों आपके सेकंड पार्ट एसोसिएटिव नहीं है। चाहे तो आप c में कुछ रख के देख लीजिए तो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्यू सेट है और रैशनल नंबर्स इफ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी बराबर ए बी बाय 5, प्रूव दैट स्टार इज एसोसिएटिव ऑन क्यू। एसोसिएटिव कर लेते हैं, तो एसोसिएटिव में क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए, ये बराबर नहीं है, बस बराबर इसलिए कर रहे हैं चेक करना है, ए स्टार बी स्टार सी, इसमें पहले बी सी कर दिया तो इसको पहले ए बी कर लेते हैं, किसी को भी कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है। तो ए बी क्या आएगा, ए बी बाय 5, ये क्या आएगा, ए बी सी बाय 5, इसमें क्या करेंगे, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, तो ए बी बाय 5 इंटू सी बाय 5, ये क्या आएगा, ए इंटू बी सी बाय 5 बाय 5, तो ये हो जाएगा ए बी सी बाय 25, ये आएगा आपका ए बी सी बाय 25, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। बार बार बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी बराबर ए बी बाय 7। अब ये एसोसिएटिव है तो मैं इसको आपको यही बता देता हूं क्योंकि ये सेम वैसे ही है। तो ए स्टार बी स्टार सी करेंगे तो बी स्टार सी में क्या लिखेंगे अपन, बी सी बाय 7, बी सी बाय 7, फिर इसको इसको लिख के मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7, ए इंटू बी सी बाय 7 यानी ए बी सी बाय 7, 7 49 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पर आइए ए बी और सी, पहले ए बी ए बी ए बी बाय 7 हो जाएगा, सी है यहाँ पे, अब इसको इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 7 यानी ए बी बाय 7 इंटू सी डिवाइड बाय 7, ए बी सी ऊपर है ही और 7 से 49, तो देखिए ए बी सी बाय 49, ए बी सी बाय 49, इसका मतलब ये एसोसिएटिव है। मैंने फटाफट इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कई सवाल हम कर चुके हैं, इसके पहले वाला भी ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, ऑन क्यू द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल्स ए प्लस बी बाय 2, शो दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव ऑन क्यू। तो देखिए साहब, ये जो सवाल है ए प्लस बी बाय 2, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं, इसलिए यहां पर सॉल्यूशन आपके सामने है, लेकिन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। अब मेरे एडिशन में तो इतने सवाल हैं, और भी अगर आपके एडिशन में है तो यहां पर मैंने इसको दर्ज किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। चलिए साहब, ये होती है आपकी एक्सरसाइज 3.2, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।